चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। होप मैं आपको प्रॉपर ऑडिबल और विजिबल हूँगा। तो आज हम आपको, जैसे मैंने कहा था कि आप रेगुलर, मैं आपको सेशंस प्रेजेंट करूँगा तकरीबन तीन। मैं इस सेशन से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि रोज़ मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो प्रेजेंट करूँगा। रोज़ तकरीबन तीन वीडियोज़ मिलेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि टाइमिंग जो होगी एक 10 AM पे होगी, ठीक है, एक 5 PM पे होगी जो पोस्ट होगी वीडियोज़, और एक रात को 10 PM पे होगी। तो ये तीन क्लासेस हम अलग अलग टॉपिक्स पे, एक स्टैटिक जीके हो जाएगा, एक आपका जनरल साइंस, क्योंकि आपकी ग्रुप डी में 25 नंबर के जनरल साइंस पूछे जाएंगे, और एक टेम्पेन पर होगा जिसको हम करंट अफेयर में कन्वर्ट कर देंगे। ये मिनिमम तीन वीडियोस हैं, इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ेगी तो दो वीडियोस में और भी प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम फिलहाल लेते हैं जो कि मिशन ग्रुप डी करंट अफेयर्स है, जिसमें मैं 2021 और 22, ध्यान रखिएगा, 2021 और 22 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रेजेंट करूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं और वीडियोस भी काफी अच्छे लगेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीबी के लिए महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? ठीक है, गिरधारी बैरवा को, हरजीत राठौर को, सत्यनारायण प्रधान को, या सुरेश दारूवाला को? तो देखिए, जो एनसीबी के हेड बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं एसएन प्रधान, ठीक है। उधर भी न्यूज में भी काफी एनसीबी थी, ठीक है, एसएन प्रधान बने। जबकि अगर यहाँ पे आईएनसीबी पूछ लिया जाता, इंटरनेशनल एनसीबी पूछ लिया जाता, तो वो कौन हो जाता? वो हो जाते हैं जगजीत पावड़िया। कौन हो जाते? जगजीत पावड़िया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल एनसीबी के। तो एनसीबी अगर पूछा गया आपको तो वो सत्यनारायण प्रधान हो जाएंगे, और इंटरनेशनल एनसीबी पूछा गया तो वो कौन हो जाएंगे आपके? जगजीत पावड़िया। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन है। वहीं अगर आपको पूछा जा सकता अगर कि सीबीआई डायरेक्टर कौन है, ठीक है, तो वो कौन हो जाते? सुबोध कुमार जायसवाल, ध्यान रखिएगा, सुबोध कुमार जायसवाल कौन हो जाते? तो ये हो जाते सीबीआई डायरेक्टर। एक नंबर का क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। प्लस प्रवीण सिन्हा को, ठीक है, पीके सिन्हा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, प्रवीण कुमार सिन्हा को जो है वो स्पेशल डायरेक्टर चुना गया। किसमें? सीबीआई के द्वारा ही चुना गया था स्पेशल डायरेक्टर, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों सारे सेशंस को। विच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द 2021 एटीपी फाइनल्स? पूछा गया कि 2021 का एटीपी फाइनल किसने जीता। तो देखिए, जीता किसने, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो जीता अलेक्जेंडर जेवरेव ने, हराया किसको? हराया था डेनियल मेदवेदेव को, जबकि डेनियल मेदवेदेव ने यूएसए ओपन 2021, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसए 2021 पूछा रहेगा किसने जीता, तो वो डेनियल मेदवेदेव ने जीता था मेल, और फीमेल पूछा रहेगा तो वो एमा राडुकानो हो जाएंगे। एमा राडुकानो ध्यान रखिएगा कहां से बिलोंग करती है, तो यूके से बिलोंग करती है, पूछा जा सकता है। जबकि अभी आपको पता है, अभी सारे आपके ग्रैंड स्लैम चार होते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ठीक है, फ्रेंच ओपन हो गया, उसके अलावा विंबलडन हो गया आपका, और उसके अलावा आपका हो गया यूएस ओपन, जिसमें ये तीन हो चुके हैं, जिसमें आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? रोजर राफेल नडाल ने जीता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता। और विंबलडन पूछा जाएगा तो वो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार विंबलडन को एक नई विनर मिली है एलेना, ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर अलेक्जेंडर जेवरेव। प्लस आपको बताए, अगर पूछा जाएगा टेनिस से संबंधित गेम्स, तो ध्यान रखिएगा टेनिस, और ग्रैंड स्लैम आपको कंफर्म पूछा जाता है, तो ग्रैंड स्लैम को भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। कौन सा शतरंज खिलाड़ी 72वें ग्रैंड मास्टर के रूप में चुना गया? तो देखिए, वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा मित्राब गुहा, पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन जो बहुत रेयर होता है, जहां पे आपके नंबर कम हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मित्राब गुहा कौन हो जाएंगे, शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर। अभी पूछा जाएगा कि फाइट, ध्यान रखिएगा फाइट टूर्नामेंट जो हो रहा है वो कहाँ चल रहा है? चेन्नई में, पूछा जा सकता है आपको, चेन्नई तमिलनाडु में फाइट टूर्नामेंट चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपको। फाइट 2021 कहाँ पे हो रहा था? तो इंडिया में हो रहा है, ये गलत लगा हुआ है, इसको मित्राब गुहा कर लीजिएगा, ठीक है, ये मित्राब गुहा सही है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल का सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण की घोषणा करी है? तो देखिए, 4 साल के बाद जब वो 4 साल की तैयारी करके आएंगे तो 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री ने 10% का रिजर्वेशन जो है वो अनाउंस किया, किसके लिए? अग्निवीरों के लिए, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है दोस्तों असम, ध्यान रखिएगा, अंतिम राज्य बना है, और यहाँ के सीएम पूछा जाएगा तो हेमंत विश्वा शर्मा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, हेमंत विश्वा शर्मा, जो कि 15वें नंबर के है। जबकि अगर गवर्नर पूछा गया तो वो कौन हो जाएंगे? जगदीश मुखी, ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? जगदीश मुखी, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लस असम से मैंने फेस्टिवल्स बताए थे आपको, माजुली हो गया, पूछा जाएगा कहाँ पे असम, देहिंग पटकाई हो गया, बोहांग बिहू हो गया,
ये सब कहाँ के फेस्टिवल हैं? असम के हैं, बोहांग बिहू हो गया, उसके अलावा वांचुआ हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, वांचुआ कई बार आपको पूछा गया, पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा अबूबाची हो गया, ठीक है, अबूबाची भी कहाँ का हो जाएगा, तो वो भी यहीं का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और रश्मिन के यहाँ के चीफ जस्टिस अगर पूछा जाता है आपको, तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असम। वन राशन वन कार्ड योजना से जुड़ने वाला शहर कौन सा है? असम। प्लस असम ने, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फिश वाले भी लॉन्च किया, तो अगर पूछा जाएगा कि फिश वाले एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था, तो असम ने ही लॉन्च किया था, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। प्लस स्कीम्स की बात करें तो आपका उत्तरायण स्कीम हो गया, जिसके तहत 33 स्टेडियम्स बनाए जाएंगे। अभ्युदय स्कीम हो गया, ठीक है, अभिनंदन, अभ्युदय आपका उत्तर प्रदेश में चलाया, ठीक है, अभिनंदन पूछा जाएगा तो वो किसने चलाया, तो वो भी असम ने ही चलाया था, ये सब पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, चले, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? यानी पूछा गया कि विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड अ रोबोट टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर या मद्रास? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो किया है मद्रास ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्लस मद्रास ने, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि नियो बोल्ट व्हील चेयर किसने बनाया, तो नियो बोल्ट व्हील चेयर भी इन्होंने ही बनाया। अगर पूछा जाएगा कदम, आर्टिफिशियल लेग, कदम किसने बनाया, तो वो भी किसने बनाया, आईटी मद्रास में बनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। कानपुर से देखिए, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रीट बॉल, अगर पूछा जाएगा स्ट्रीट बॉल किसने बनाया, तो कानपुर ने बनाया, ठीक है, आईटी कानपुर ने। मोबाइल मास्टर जी एप्लीकेशन पूछा जाएगा, अभी मैं हट जाऊंगा, ठीक है, मोबाइल मास्टर जी एप्लीकेशन पूछा जाएगा, तो वो भी किसने बनाया, वो भी कानपुर ने ही बनाया आपका। प्लस उसके अलावा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स पूछा जाएगा, तो वो किसने बनाया, तो वो भी कानपुर ने ही बनाया है, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि खड़गपुर और गांधीनगर ने मिलकर के गांधी पीडिया बनाया था, तो पूछा जाएगा गांधी पीडिया किसने बनाया, तो खड़गपुर और गांधीनगर ने मिलकर के गांधी पीडिया बनाया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का। कुछ और ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि बायो ब्रिक्स बिल्डिंग बनाने वाला इंस्टीट्यूशन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हैदराबाद, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। बायो ब्रिक्स बिल्डिंग कौन बनाएगा, तो वो हैदराबाद बनाएगा। उसके अलावा पूछा जाएगा लक्ष्मण रेखा, ठीक है, लक्ष्मण रेखा एप्लीकेशन किसने बनाया, तो वो बनाया था आईटी मंडी ने, ये भी पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। वहीं अगर पूछा जाएगा कि किसान एप्लीकेशन किसने बनाया, तो किसान रुड़की ने बनाया, ये पूछा जा सकता है। अर्ली अर्थक्वैक भी रुड़की ने बनाया था, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के बीच द्विवर्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया? तो देखिए, मालदीव, श्रीलंका और भारत के बीच आपका दोस्ती जॉइंट एक्सरसाइज होता है। प्लस अगर पूछा जाएगा टीटीएस किसके साथ होता है, तो वो भी हमारा इन्हीं के साथ होता है, मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जबकि अगर पूछा जाएगा कि श्रीलंका के साथ हमारे कौन कौन से जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं, तो वो स्लीनेक्स हो गया, पूछा जा सकता है। मित्र शक्ति हो गया, ये हमारे किसके साथ होते हैं, तो इन्हीं के साथ। जबकि मालदीव से पूछा जाएगा, तो मालदीव के साथ हमारे इंडिविजुअली इक्वेरियन होता है, ठीक है, इक्वेरियन किसके साथ होता है, तो इक्वेरियन हमारा किसके साथ होता है, मालदीव के साथ होता है, पूछा जा सकता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन। इब्राहिम मोहम्मद सोली कौन हो जाएंगे, यहाँ के मालदीव के राष्ट्रपति हो जाएंगे, और निशानेउद्दीन अवार्ड भी दिया था मालदीव ने हमें, तो पूछा जा सकता है आपको। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किस वर्ष में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश पदुकोण जी को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1934 में, 1934 में BWF एस्टैब्लिश हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, ये पूछा गया कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, 12वां, 18वां, 20वां या 24वां? तो जो ग्लोबल पॉलिसी इंडेक्स हो जाएगा, उसमें भारत की पोजीशन 18वीं है, जबकि पहले स्थान पे पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्वे, ये भी पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड फ्यूचर फॉर एजुकेशन इंडेक्स पूछा जाएगा तो 35 हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा करी? तो वो करा दोस्तों ओडिशा ने, ध्यान रखिएगा किसने करा है, ओडिशा। ओडिशा कब स्टैब्लिश हुआ, 1936, पूछा जा सकता है। करंट में अगर पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे सीएम यहाँ के, तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। प्लस ओडिशा से कुछ और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, गरिमा एप्लीकेशन पूछा जाएगा या गरिमा स्कीम पूछा जाएगा, कहाँ पे चलाएगा, यहीं पे। रक्षक पोर्टल पूछा जाएगा कि रक्षक पोर्टल किसने शुरू करा, तो वो इन्होंने ही शुरू करा था, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा रक्षक पोर्टल के बारे में, क्वेश्चन बन सकता है। प्लस मैंने रजा पर्व बताया था कहां पे सेलिब्रेट करते हैं, यहीं पे नारित्व फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो अगर पूछा जाएगा नारित्व फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी आपका ओडिशा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। गणेशी लाल गवर्नर हो जाएंगे, नवीन पटनायक कौन हो जाएंगे यहाँ के सीएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओडिशा से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 1936 में ओडिशा स्टैब्लिश हुआ था। और भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा, अभी तो सेशन शुरू हो रहे हैं ना,
अभी तो ये बस सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे मैं आपको इतना, ये जो 17 अगस्त तक एग्जाम है मैं इतनी सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि 10 से 12 नंबर आप इंक्रीज जरूर कर लेंगे, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ। किस सरकार ने जो है आपका एनम एथम योजना लॉन्च करी, तो वो करिए तमिलनाडु सरकार ने, सीएम पूछा जाएगा, एम के स्टालिन साहब हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इन पे मैंने किताब बताई थी उंगलिम ओरवम, इनके ऊपर लिखी गई किताब है एम के स्टालिन साहब के ऊपर, तो जो कि पूछा जा सकता है। प्लस थावरचंद गहलोत कौन हो जाएंगे, वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। थावरचंद गहलोत नहीं, थावरचंद गहलोत आपके कर्नाटका के हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ के रमेश बैस हो जाना चाहिए, ठीक है, आर एन रवि हो जाएंगे, रमेश बैस झारखंड के हैं। कौन हो जाएंगे, आर एन रवि हो जाएंगे, कहाँ के, तमिलनाडु के, ठीक है, रमेश भाई झारखंड हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। पहला म्यूजिक म्यूजियम पूछा जाएगा, कहाँ पे खोला गया, तमिलनाडु में खोला गया। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा डिजिटल डिजिटल फूड म्यूजियम पूछा जाएगा, कहाँ पे खोला गया, तो डिजिटल फूड म्यूजियम यहीं पे खोला गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ खोला गया, तमिलनाडु में खोला गया है आपका। और वर्टिकल लिफ्ट पूछा जाएगा, ठीक है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पूछा जाएगा, तो वो कहाँ पे, तो वो यहीं पे खोला गया। वर्टिकल ब्रिज पूछा जाएगा आपको कहाँ पे, तो तमिलनाडु में खोला गया। पहला, किस देश में सबसे बड़ा सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया, तो वो किसने लॉन्च किया, चाइना ने, ध्यान रखिएगा। चाइना ने रोबोट के लिए 5-ईयर प्लान शुरू किया है, जो कि पूछा जा सकता है, 5-ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। प्लस मैंगलोर ट्रेन भी इन्होंने लॉन्च करी है, जो कि सबसे अधिक स्पीड से चलेगी, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चाइना ने ही लॉन्च करा, जो कि पूछा जा सकता है। सी जिनपिंग कौन हो जाएंगे, तो चाइना के राष्ट्रपति साहब हो जाएंगे। जापान का पूछा जाएगा, तो योशिहिदे सुगा यहाँ के पीएम हो जाएंगे। बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना पीएम है, ठीक है, जिनको मैंने एक अवार्ड भी बताया था, होप आपको याद होगा, वो हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड। जबकि अगर पूछा जाएगा जो है कि यहाँ से कि मिताली हमारी जो है कि ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी, तो वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच ही चलाई जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है आपको। अब्दुल्ला हामिद साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। प्लस रशिया की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन, सबको पता होगा वो कौन हो जाएंगे, तो वो रशिया के आपके जो है कि प्रेसिडेंट हो जाएंगे। पीएम पूछा जाएगा तो वो मिखाइल मोसिस्तिन हो जाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मिखाइल मोसिस्तिन कौन हो जाएंगे, तो वो रशिया के, अभी मैं हट जाऊंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप कोशिश किया करिए कि जब भी मैं क्लास किया करो तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर चाइना, चाइना ने, ध्यान रखिएगा, सन भी बनाया आर्टिफिशियल, जिसको हम ईस्ट नाम से जानेंगे, किस नाम से, ईस्ट नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, वेरी इजी, इंडिया में किया जाएगा। ईभा क्या रखा गया है, तो वो रखा गया आपका मैस्कट, जबकि अगर यही पूछा जाता मेल कहां किया जाएगा, तो वो पेरू में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जबकि अगर पूछा जाएगा कि अंडर 20 कहां किया जाएगा मेल, तो वो मेल किया जाएगा आपका इंडोनेशिया में, ध्यान रखिएगा, फीफा की मैं बात कर रहा हूं। जबकि फीमेल पूछा जाएगा अंडर 20, तो वो कोस्टा रिका में होगा, ये पूछा जा सकता है आपको। प्लस मेन इवेंट फीफा का अगर पूछा जाएगा, तो वो इस बार कहां पे होने वाला है, तो वो इस बार कतर में होने वाला है, जो कि नवंबर से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। फीफा का फुल फॉर्म हो गया फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2022 की थीम क्या थी, तो वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ध्यान रखिएगा, 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, पूछा जा सकता है आपको, वेरी इजी। हाल ही में जारी केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बनाया, इंदौर, वेरी इजी क्वेश्चन, इंदौर को ही बनाया गया 5वीं बार, हर बार यही चुना जाता है। प्लस पहली वाटर प्लस सिटी भी हो जाएगी, पहला बजाय पूछा जाएगा पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है, वो इंदौर ही हो जाएगी। हाल ही में महाराष्ट्र ने HNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से मानित किया, किसको किया, रतन टाटा जी को किया, ध्यान रखिएगा। HSNC यूनिवर्सिटी ने किसको डॉक्टरेट की उपाधि दी है, तो वो रतन टाटा जी को दिए। प्लस इनको असम वैभव अवार्ड भी दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया, असम वैभव अवार्ड दिया गया, किसको, तो वो दिया गया रतन टाटा जी को। पहली बार डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी, तो देखिए डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट बेसिकली जो है, जो हमारा डिस्प्ले होता है, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, इनको और मजबूत और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस के लिए बनाया जा रहा है, जो कि पहली बार बनाया जाएगा हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद में जो ग्रीनो टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो पहला हमारा इंडिजीनियस ड्रोन भी बनाया, जिसका नाम इंद्रजाल रखा गया है, ठीक है, क्या नाम रखा गया है, इंद्रजाल, ध्यान रखिएगा, वो भी पूछा जा सकता है, इंडिजीनियस ड्रोन, हमारा स्वयं ऐसी ड्रोन। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत का हासिल करेगी,
तो वो 25%। मे भी पूछा जाए, बैंक एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है, बाकी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। सीईओ कौन बने हैं, तो वो बने हैं परमेश्वरम अय्यर। जबकि अगर पूछा जाता कि आपको कि वाइस चेयरमैन कौन बने, तो वो जाएंगे सुमन बेरी। ध्यान रखिएगा, वाइस चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे सुमन बेरी, जबकि चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति कमीशन स्टैब्लिश हुआ, ध्यान रखिएगा दिल्ली में इसका क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस हो जाएगा। नीति कमीशन ने किसको रिप्लेस किया, योजना आयोग को। योजना आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था, 15 मार्च 1950। इसी के तहत 5 ईयर प्लान चलता था जो कि बंद कर दिया गया। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, 12वीं 2012 से 17 तक चली थी और पहली 1951 से 56 तक चली थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मशहूर खिलाड़ी मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की, किससे संबंधित है, वो क्रिकेट से संबंधित है। ध्यान रखिएगा मिताली राज, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इनके नाम। तो देखिए ये आज के क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे यही कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चैनल पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रोज़ आपको कम से कम 3 वीडियोस दूँ। जल्दी मैं टाइम डिसाइड कर लूँगा और एक जनरल साइंस का सेक्शन होगा, ठीक है। मैं जनरल साइंस का कोशिश करूँगा कि आपको क्रैश कोर्स भी करा दूँ, प्लस आपका एक जो है स्ट्रैटेजी जीके का होगा और एक करंट अफेयर्स का होगा। प्लस ये 3 वीडियो तो आपको होंगी, जरूरत पड़ती है तो मैं अलग अलग टॉपिक्स भी प्रेजेंट करूंगा क्योंकि एग्जाम्स आपका बहुत पास है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नाओगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।